मंत्रालय की ओर से शहर के चिटनेस सेंटर में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके हस्ते किया गया। कोल माइल की ओर से शुक्रवार से 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते किया गया। इसके साथ ही राज्य के कोयला मंत्री दादा धूसे, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सांसद कृपाल तुमाने, पूर्व सांसद विकास महात्मे और विधायक आशीष जायसवाल उपस्थित थे। मेरी आपसे विनती है कि इस दृष्टि से भी विचारो, आप देश का नेतृत्व करते हैं, मैं कई सालों से आपको देखता हूँ, कई सालों से आपको मैं आपके भाषणों को देख चुका हूँ विधान पार्लियामेंट में, और आज मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आपका नागपुर आगमन ये विदर्भ के भूमि के लिए एक वरदान साबित हो, और आपकी तरफ से हमें निश्चित तौर पर बहुत सारी उम्मीदें, बहुत अपेक्षाएं हैं। और इतने सालों हमने पूछा, क्यों भाई 10 कंपनियों में बाकी लोगों का नोटिफिकेशन 1 निकलता है, हमारा 20% महंगा क्यों है? तो बोला हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर यही नियम हमने महाराष्ट्र में बिजली के लिए लगा दिए कि बिजली तो विदर्भ में होती है, तो मुंबई में बिजली महंगी होनी चाहिए, ट्रांसमिशन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, वो ऐसा क्यों नहीं होता? सबको समान दर से कोयला बिजली दी जाती है, और जब कोयला देने की बात आती है तो WCL कहती है नहीं, हम 20% से ज्यादा देंगे। यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है, हम कह रहे कि यहाँ पे पावर इंडस्ट्रीज लगी है, यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन लगे हैं, मगर यहाँ पे जब हम कहते हैं कि पावर ऑक्शन निकलना चाहिए, इंडस्ट्रियल ऑक्शन निकलना चाहिए, तो भाई साहब ये ऑक्शन नहीं निकलता है। तो हमारी पहली मांग ये है कि बच्चे को माँ से दूर मत करिए। आप कोयला देते समय 20% महंगा देते हो, फिर से इस विषय में फिर विचार करना चाहिए। कोयला ये कोई 1 वर्ष का प्रोसेस नहीं है, 125,000 वर्षों के बाद कोयला प्रोसेस कंप्लीट करता है, 125,000 वर्षों के बाद। अब ये कोयला जब यहाँ पे WCL पर्यावरण का नुकसान करता है, यहाँ पे लोगों के रोजगार के बारे में अड़चनी निर्माण होती है। अब WCL ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो अर्जुन का नया आधुनिक रूप है, कि जिनका अर्जुन को सिर्फ वो पक्षी की आंख दिखती थी, WCL को सिर्फ प्रोडक्शन का टारगेट दिखता है, ना वहां के किसानों का नुकसान दिखता है, ना ओबी से ओवर बर्डन से होने वाला नुकसान। भूसे साहब को लेके आइए, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, लेके आइए, आपको क्या चाहिए बताइए, वी आर ओपन फॉर दैट। एंड एज फार एज कोल इज कंसर्न, सी व्हेन वी केम टू पावर इन 2014 द टोटल प्रोडक्शन वॉज 572 मिलियन, एंड नेचुरली डिमांड बढ़ गया है, और हमने जो कमर्शियल कोल माइनिंग और इसमें भी जो कुछ भी हमने बदलाव लाया है, ये भी दिस वॉज दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। व्हेन वी थॉट ऑफ कमर्शियल कोल माइनिंग इन 2020 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड, देन एवरीबडी सेड नो इट इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, कोल इंडिया स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, मैं कोल इंडिया को भी विश्वास नहीं दिया। मैंने बोला कोल इंडिया हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट है एट दैट टाइम इन 2020 इट वॉज अराउंड 700-800 मिलियन टन, टूडे इट इज ऑलमोस्ट 900 मिलियन टन, आई एम टॉकिंग ऑफ थर्मल कोल। देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर द कमर्शियल कोल माइनिंग, एंड बाय अवर रिफॉर्म्स दिस टाइम मीन्स लास्ट ईयर वी हैव एंडेड द ईयर विद अ टोटल डिस्पैच ऑफ 817 मिलियन टन्स ऑफ द कोल, 817 मिलियन, एंड दिस टाइम द करंट ईयर विच आई एम स्पीकिंग टुडे विद द एनकरेजमेंट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इवन यस्टरडे राजस्थान ऑल्सो आई हैड विजिटेड राजस्थान, उधर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम था, लेकिन उधर भी हम हल किया है, वो भी आज मीडिया में आया है। दिस टाइम गडकरी साहब के प्रेजेंस में मैं अश्योर कर रहा हूँ, देर विल बी टोटल कोल प्रोडक्शन ऑफ 900 मीटिंग विद द प्रहलाद जी एंड भूपेंद्र जी एंड वी विल क्लियर द प्रॉब्लम इज दैट आवर ड्रीम इज टू मेक आत्मनिर्भर भारत, वी हैव कोल बट वी नाउ इम्पोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कोल, वी हैव कॉपर बट वी आर इम्पोर्टिंग कॉपर, वी हैव एल्यूमिनियम वी आर इम्पोर्टिंग एल्यूमिनियम, everywhere either it is metal, minerals or coal, big import is there,
We are importing fossil fuel of 17 lakh crores. We are importing the coal and minerals more than 15 lakh crores. The hardware in computer industry, the import is going to next 3 years of 25 lakh crores. Then how we can make Atmanirbhar Bharat? Now I will request Honorable Minister Prahladji that in the coal mine already, I remember when the Vajpayee was the Prime Minister, there was a dispute between the coal ministry and the petroleum ministry that hydrocarbon is the subject, either it is related with the petroleum or the coal ministry. I remember Ram Naik was the minister for petroleum and Shehnawaz Hussain was the minister for coal. I have taken this subject to Vajpayee and after that Vajpayee has taken the decision and fixed up the thing. At that time Coal India tendered for that coal based briefed. Still nothing is going to happen. Only in one Durgapur, they are making methane from coal and getting bio-CNG and they are making urea in West Bengal. But in Jharkhand, we have availability of methane, CBM. Even in Vidarbha also we can do it. But now we are importing the fossil fuel. Now the methanol is a fuel. In Russia, USA and China and Canada, they are using methanol as a fuel. And the rate of the methanol is 21 rupees per liter. The Deepak fertilizer and RCF is mining methanol for already they are manufacturing. And Assam Petroleum is manufacturing methanol 100 ton per day. Now we can use methanol in the truck in place of diesel. The rate of methanol is 22 rupees per liter. It is going to reduce our imports and reduce the pollution. But the way in which we need investment and development in this area. Now the problem is that ammonium nitrate for mining. There is a big shortage. And from the coal, we can get ammonium nitrate, we can get urea. We are importing the urea of 60,000 crore. But we can make urea from the coal. But still the things are moving. One of the projects in Odisha is on in the process. I am trying for many years. Still the production is not started. We are importing the urea of 60,000 crore. At the same time, we are importing LPG. And from the coal we will get the DME. And now in USA they are adding 20. कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।